नमस्कार। शॉर्ट नोट 28 शुरू कर रहे हैं दोस्तों। शॉर्ट नोट 28 लेक्चर 28। मैं भूपेश आनंद अपने पूरे वादे को निभा रहा हूं और बेटे 50 लेक्चर शॉर्ट नोट और डिफरेंस बिटवीन के दे के रहूंगा आपको। 50 कमेंट दे चुका हूं, चित्र बनवा के रहूंगा आपसे। आइए जी, हम सभी शॉर्ट नोट 28 लेक्चर 28 की तरफ बढ़े। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को लिखें। बेटे रजिस्टर खोलने पहले तो सभी बच्चे कसम होगी अगर रजिस्टर ना खोला तो, बता रहा हूं मैं आपको, रजिस्टर ओपन कर ले, कमर सीधी कर ले। बेटे बेटे ये जीवन उसी का है जिसने कुछ उत्साह करके पाने की कोशिश की। तो बेटा उत्साह से काम करेंगे ना तो जल्दी होगा, और ढीले ढीले करेंगे तो जो काम होने वाला होगा वो भी नहीं होगा। तो बेटे आप मेरे को देखो, मैं कितने उत्साह से क्लासेस ले रहा हूं आपकी कि आपको फायदा हो। मुझे बस 50 लेक्चर कमेंट के, 50 शॉर्ट नोट के देने ही देने, चाहे दुनिया ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए, ब्रह्मांड क्यों ना आ जाए, ब्रह्मा जी क्यों ना खड़े हो जाए सामने और मुझे मना करें, मैं फिर भी मना नहीं होने वाला, दृढ़ संकल्प है। तो बेटे ऐसे ही आपको दृढ़ संकल्प रखना है किसी भी चीज को पाने के लिए। पागलपन दिखाना है, नशा ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। बेटे आपको मगन होना है सीए सीएस सीएमए बनने के लिए। ये दुनिया खुद झुकेगी, झुकाने वाला चाहिए। तो आप आज के लेक्चर में बड़े बड़े जबरदस्त उत्साह से एग्रेसिव होकर, बड़े बड़े एम्बिशियस होकर सुने तो रजिस्टर खोले। और बेटे आज आप अपनी डायग्राम वाली बुक भी खोल ले। डायग्राम वाली बुक, हाँ, आज पहली बार एक बच्चे ने लेक्चर 28 ही देखा, उसने कहा पता नहीं है मास्टर क्या कह रहा है, डायग्राम वाली बुक। नेक्स्ट बेटे आप सभी प्रैक्टिस मैनुअल भी ओपन कर लें, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं आजकल प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा हूं। पास्ट ईयर कर चुका, स्टडी मटेरियल कर चुका, अभी प्रैक्टिस मैनुअल से कर रहा हूं। तो प्लीज आइए जी, क्वेश्चन लिख ले सभी, जरा थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, 28 नंबर जी, क्वेश्चन 28 आपके, ये देख लीजिए प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन 6 है, तो 28 लिखेंगे। विद द इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस, कई बार क्या होता है क्वेश्चन वो बहुत बड़ा सा देता है लेकिन आंसर वो ही लिखना होता है, तो आप क्वेश्चन के बड़े रूप से घबराना मत। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, जो सब चमकता है वो सोना नहीं होता। बेटे काफी हद तक कांच के टुकड़े होते हैं, तो आराम से ईमानदारी से रजिस्टर खोल ले। आज कसम है बेटे, आज कसम है, आज के लेक्चर में कसम है मेरे बच्चे, आज मेरी बात माननी है। लिखो बेटे, विद द इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस फ्रॉम बीइंग मियर अ स्टडी, इवोल्यूशन मतलब चेंजेस, खाली पहले एक स्टडी थी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, डिस्क्रिप्टिव कथाएं लिखनी जाती थी, कल्पनाएं, टू द वन दैट इज हाईली डेवलप्ड डिसिप्लिन द रोल ऑफ। बेटे पहले ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी थी और अब हाईली डिसिप्लिन स्टडी बन चुकी है। तो बेटे रोल चेंज हो गया, पहले वाले फाइनेंस मैनेजर का, पहले वाले मुनीम का, अभी वाले के फाइनेंस मैनेजर से चेंज हो गया। बेटे चेंज हो गया, क्या रोल चेंज हो गया, द रोल हैज अंडरगोन अ सी चेंज। अब बेटे जब रोल चेंज हो गया तो ड्यूटीज भी चेंज हो गई, वो यही कह रहा है, एक्सप्लेन वेरियस ड्यूटीज परफॉर्म बाय फाइनेंस मैन।
अब बेटे चाहता तो वो डायरेक्टली लिख देता, प्लीज राइट द ड्यूटीज ऑफ फाइनेंस मैनेजर्स। उसने ये नहीं लिखा, क्या लिखा, विद द इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस फ्रॉम दिस टू दिस ड्यूटीज हैव बीन चेंज्ड सो डू दिस। तो बेटे आपको ड्यूटीज ही लिखनी है, बदलाव आ गया आजकल, फॉरेक्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजंस, अलग अलग नए कॉन्सेप्ट्स आ गए, नई बातें आ गई। तो बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, आपका रोल भी तो चेंज हुआ। पहले वाला जो फाइनेंस मैनेजर था पिछले जमाने का और जो आजकल का फाइनेंस मैनेजर है, दोनों में चेंज आ गया, दोनों में चेंज आया। तो बेटे फिर जब चेंज आया तो कौन सी ड्यूटीज हैं जो आपको अब ज्यादा करनी है, कौन से फंक्शंस हैं जो ज्यादा करने हैं। तो बेटे मैं आज उन्हीं का आपके सामने चर्चा करूंगा। उम्मीद है आपने 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 प्रैक्टिस मैनुअल ओपन कर ली होगी। प्लीज बेटे आओ आओ मेरे बच्चे, अपने सामने एक बार प्रैक्टिस मैनुअल रख दे। कहां गई ये, चलिए पहले डायग्राम वाली बुक का आ गया, पेज 20, पेज 20, बेटा ये बुक डायग्राम वाली, भूतो ना भूतो भूतो ना भविष्यति, बेटे डायग्राम वाली बुक को आप खोल लें और पेज नंबर 20 भी ओपन कर ले, क्वेश्चन 16 लिख दे, वेदर द इंफॉर्मेशन एज हैज गिवन अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या इंफॉर्मेशन एज से, इस नए जमाने से, इस डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया में क्या फाइनेंस मैनेजर का रोल चेंज हुआ है, बदला है? बेटे ये बातें बतानी है। और डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेटे एक तो ये खोल ले और एक प्रैक्टिस मैनुअल जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये बेटे ये प्रैक्टिस मैनुअल है, ये देख लो। आपको विश्वास ना हो तो बेटे मैं बता दूं, ये प्रैक्टिस मैनुअल का पेज नंबर मैंने आपके सामने 7 ही ओपन किया हुआ, प्रैक्टिस मैनुअल का पेज नंबर 7 ओपन किया था। बेटे आप आजकल शॉर्ट नोट नहीं करते, आप उसको लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं, बेटे ये गलत बात है। इसी बात को ठीक करने के लिए मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट लेक्चर 28 रिकॉर्ड करने की सोची है। आओ बेटे रिकॉर्ड करेंगे, आओ मेरे बच्चे आओ आओ आओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल का पेज नंबर 7, बेटे 7 है, बेटे 7 है, खोल ले बेटे, लो बेटे। तो फाइनेंस मैनेजर की क्या क्या नई नई बातें आ गई है, आइए जी मैं पहले चर्चा करूं और फिर मैं आपके चलूंगा। भले आंसर प्रैक्टिस मैनुअल में है बेटे, सब कुछ तो होता है, फिर भी हम पास का होते हैं क्योंकि हम आखिरी दिनों में उसको प्लान करके नहीं जा पाते, सीख ही नहीं जा पाते, याद नहीं रहता। तो मेरा इस क्लास को लेते समय यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको मैं लॉजिक समझा दूं और फिर आपको अपने आप पता चलेगा कि कौन कौन सी ड्यूटीज में बदलाव आया है। तो बेटे आप ये बताइए कि मैं अगर आज से पिछले जमाने की बात करूं, गुजरा हुआ जमाना आपको मालूम है जब आप स्कूल में थे तो बहुत शरीफ थे बेटे, दीन दुनिया का पता ही नहीं होता था आपको,
और आजकल आजकल आप पहले से चालाक हो गए, पहले से चालाक हो गए मेरे बेटे। लेकिन बेटे आज आप स्कूल जाते हुए बच्चों को देखें तो आपके मन में उनके प्रति और अपने प्रति एकदम कंपैरिजन आता है और आप कहते हैं कि हम तो अपने जमाने में बहुत शरीफ थे, आजकल के बच्चे स्कूल के हमारे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ज्यादा चालाक हैं। तो बेटे कहीं ना कहीं ये जनरेशन गैप है। हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि आप पिछड़े जमाने के हो, हम नए जमाने के। बेटे हमारे जो बच्चे आएंगे वो हमें कहेंगे कि हम पिछले जमाने के हैं, वो नए जमाने के हैं। तो ऐसे ही बेटे फाइनेंस मैनेजर दो जमाने का है, एक गुजरा हुआ जमाना, एक नया जमाना। तो सवाल ये आता है कि आज इवोल्यूशन हो चुकी, चेंजेस हो गए, बदलाव आ गए, तो अब आप ये बताइए जी जब बदलाव आ गए तो फंक्शंस या रोल्स या ड्यूटीज क्या इस फाइनेंस मैनेजर की चेंज हुई या नहीं? बिल्कुल हुई बेटे। बेटे जब आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, जब आप पेटीएम की बात कर रहे हो, जब आप कैशलेस इंडिया की बात कर रहे हो, तो बेटे आप मुझे एक बात बताओ, हमारी सबकी ड्यूटीज बदल गई। तो बेटे वो पूछ रहा है आप ये बताओ भाई आजकल क्या क्या ड्यूटीज हैं एक फाइनेंस मैनेजर की। बेटे अभी तक जो भी कुछ बताया मैंने खाली क्वेश्चन समझाया बेटे, क्वेश्चन को पढ़ना समझाया। मैंने कहा क्वेश्चन बड़ा हो तो घबराना नहीं है, जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया, डरना नहीं है, डरा कराना है। तो बेटे आओ मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं कि what are the duties of a new finance manager, what are the duties of a new finance manager, एक नए एक मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटीज क्या है? तो बेटे बड़ी जबरदस्त ड्यूटीज हैं। आप ये बताइए जी कहानी यहां पे शुरू होती है, एक कंपनी बनी हुई है और उस कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसका फाइनेंस मैनेजर सबसे पहले क्या करेगा? बेटे आने वाले ईयर्स में जो प्रोजेक्ट्स कंपनी ने लिए हुए हैं उनकी कैश फ्लोस को फोरकास्ट करेगा। कैश फ्लोस मतलब उस प्रोजेक्ट से कितनी कैश फ्लोस आएंगी या आ सकती हैं। कैश प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, तो कितनी कैश प्रॉफिट्स आ सकते हैं बेटे उसको फोरकास्ट करना, ये सबसे पहली ड्यूटी है, रोल है, फंक्शन है किसका आज के फाइनेंस मैनेजर। तो बेटे जब मैं कैश फ्लो एस्टिमेट करूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा, मैं कैश बजट प्रिपेयर करूंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा, वहां से मुझे पता चलेगा कि कैश फ्लोस किस किस महीने में डेफिसिट है, किस महीने में सरप्लस है, कब पैसा इन्वेस्ट करना है, कब पैसा अगर कम है डेफिसिट है तो कहां से जुगाड़ करना है। तो बेटे पहला काम सबसे इंपॉर्टेंट है कैश फ्लोस को एस्टिमेट करना, फिर धीरे धीरे बेटे उसके इसी से रिलेटेड दूसरे काम आ जाएंगे, रेजिंग फंड्स को रेस करना, पैसे कहां से आएंगे, पैसा करती है ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। बेटे वो पैसे कहां से आएंगे, फ्रॉम वेयर फंड्स कैन
बी प्रोक्योर, सोर्सेस क्या है, डेट से कितना ली, इक्विटी से कितना ली, राइट इशू कितना करे, आईपीओ कितना करे, लोन कितना करे, डिवेंचर्स कितना करे, यूरो इशू करे या ना करे। बेटे बेटे इसको बोलते हैं रेजिंग ऑफ फंड्स, तो ये भी ड्यूटी है फाइनेंस मैनेजर की। तीसरा बेटे आप ये बताइए जी, फाइनेंस मैनेजर की अब कंपनी चल पड़ी, कैश फ्लोस आ रहे हैं, फंड आ गया, प्रॉफिट हो गया, अब प्रॉफिट हुआ तो बेटे उस इंटरनल प्रॉफिट को मैनेज करना, मैनेजिंग इंटरनल फंड्स। बेटे पैसा भी आ गया, प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया, धंधा चल पड़ा, तो जो फंड्स जनरेट हो रहे हैं उनको मैनेज करना भी फाइनेंस मैनेजर का काम है। अब बेटे इंप्लॉइज आ गए, फैक्ट्री बन गई, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो बेटे उस कॉस्ट को कंट्रोल करना। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज लिक्विडेट हो जाती है, किंग फिशर एयरलाइन लिक्विडेट हो गई, खत्म हो गई, कॉस्ट ज्यादा थी, खर्चे ज्यादा थे, इनकम नहीं आ रही थी। तो मैं अब नेक्स्ट की बात करूं, क्या बेटे क्या, टू फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल। मैं तो कहता हूं जैसे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली का हर मिनिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल है, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, रेलवेज में, होम मिनिस्ट्री में, बेटे इसी तरह से एक फाइनेंस मैनेजर का बेटे कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करनी, फैसिलिटेट करनी और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालना। तो मैं ये भी कह रहा हूं जी, टू फैसिलिटेट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, फोरकास्टिंग प्रॉफिट्स, एस्टिमेटिंग रिटर्न। आराम से मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं, अगर ये इतनी लंबी चीज भी नहीं पूछता, खाली पूछता ड्यूटीज ऑफ फाइनेंस मैनेजर, तब भी मैं ये लिखता। अब उसने जान के ताम धाम ऐड कर दिया कि बच्चा घबरा जाए, क्योंकि बच्चा तो पहले ही डरा हुआ बैठा है, 3 घंटे में उसने सब कुछ लिखना है। तो बेटे आपने घबराना नहीं है, आप मेरे हो, आप दूसरों को डरा कराओगे, आप नहीं डरोगे। तो देखिए बेटे मैं कहता हूं रिटर्न को एस्टिमेट करना, धंधो पैसा, दुनिया शुरू होती है और पैसे पे दुनिया खत्म होती है, तो रिटर्न कैलकुलेट करना, प्रॉफिट्स को एस्टिमेट करना, फोरकास्ट करना, कॉस्ट कंट्रोल फैसिलिटेट करना, प्रोडक्ट लाइन से प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकलवाना, बेटे ये सारे काम किसके, आज के फाइनेंस मैनेजर। तो आपको थोड़ा सा लिखना है बेटे, मैंने बड़ी हेडिंग लिखी है, बड़ा अच्छा लगेगा बेटे अगर आप थोड़ा सा लिख लोगे, तो लिखो मेरे बेटे, रजिस्टर खोल लो, ये कितने प्यार से बोल रहा हूं बेटे, विद द इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस फ्रॉम बीइंग मियर अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी टू द वन दैट इज हाईली डेवलप्ड डिसिप्लिन, द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर विद द इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस फ्रॉम बीइंग मियर अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी टू द वन दैट इज हाईली डेवलप्ड डिसिप्लिन, द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर has also undergone a sea change, बदल गया रोल, सब कुछ बदल गया, जमाना बदल गया, ए फलक तू भी बदल, जमाना बदल गया है। फलक किसको बोलते हैं, आसमान को, ए आसमान तू तो वैसा ही है, तू भी बदल, जमाना बदल गया है। बेटे एक उर्दू के शायर ने बात बोली थी,
हम सब बदल गए, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर बदल गया। तो लिखे बेटे प्रैक्टिस मैनुअल चैप्टर 1 क्वेश्चन 7। बेटे मैंने वहीं से लिया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, मैंने वहीं से हाइलाइट्स लिए हैं। बस मेरा मन है कि आप हाइलाइट्स भी याद कर लेंगे, बुलेट पॉइंट्स भी याद कर लेंगे, उस दिन लिख आएंगे, उस दिन लिख आएंगे। प्लीज बेटे आप इनको लिखें। फॉलोइंग आर द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय अ मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर। फॉलोइंग आर द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय अ मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर। बेटे हम कुछ ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे, तो वो मैंने लिख दी, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखी, प्रैक्टिस मैनुअल से ली। आप चेक कर लीजिए बेटे, ये देख लीजिए बेटे, मैं झूठ क्यों बोलूं बेटे, ये देखो, ये पहली क्या है, ठीक है, फोरकास्टिंग कैश फ्लोस, फिर दूसरी क्या है, रेजिंग फंड्स। मैं बड़ा कर देता हूं बेटे फोन, लो बेटे, बेटे मैं झूठ क्यों बोलूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपको पता है कि यहां पर इसका आंसर है, फिर भी हम कहां करके जाते हैं यार, टाइम मिलता कहां है, मैंने तो सारे पेपर्स देख के देख लिए। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 7, पहली चीज फोरकास्टिंग कैश फ्लोस, दूसरा चेक करिए रेजिंग डेट्स, ये रहा रेजिंग डेट्स, तीसरा देखिए मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंटरनल फंड्स। मेरी मैं आपको कसम चढ़ा रहा हूं, आपने मैंने भले यहां से लिखा है, एक्सप्लेनेशन यहां से लिखी है, बेटे मैंने मेहनत किया यार, मेहनत किया आप भी के लिए तो किया बेटे। लिखो पहली ड्यूटी, लिखो फोरकास्टिंग कैश फ्लोस। आपको बस ये भी पता चल गया ना, वहां जाके लिखाएंगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने समझा दिया है फोरकास्टिंग कैश फ्लोस। दूसरा रेजिंग फंड्स, रेजिंग फंड्स। तीसरा टू फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल, टू फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल। बेटे कॉस्ट को कंट्रोल करना, टू फैसिलिटेट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। बेटे प्रोडक्ट की प्राइस को फैसिलिटेट करना, प्रोडक्ट लाइंस सर्विसेज, फोरकास्टिंग प्रॉफिट्स, कितने प्रॉफिट्स होंगे, क्वार्टर में कितने होंगे, सिक्स मंथली कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, किस प्रोडक्ट से होगा, कंबाइंड प्रॉफिट कितना होगा। बेटे ये सारी बातों को एस्टिमेट करना एक आज के फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटी है। आओ जी, मेजरिंग रिक्वायर्ड रिटर्न, मैनेजिंग एसेट्स। बेटे कंपनी के एसेट्स को मैनेज करना, कंपनी के एसेट्स को मैनेज करना, उसका रिक्वायर्ड रिटर्न एस्टिमेट करना, मैनेजिंग फंड्स और फंड्स को मैनेज करना। तो बेटा ये सारा काम किसका है, फाइनेंस मैनेजर। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाएंगे बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल, हमेशा खुश रहना बेटे। खुश रहने के बाद सब चीजें मिलती हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर जमीन जमीन किसान की जमीन उपजाऊ नहीं होगी, जितने मर्जी अच्छी क्वालिटी के बीज डाल दे, खाद डाल दे, कुछ नहीं होने वाला। तो बेटे आपका जमीन उपजाऊ क्या, खुश रहना। खुश रहने से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलने से खुश नहीं होगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज का मैं ये 28 लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर